अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हसास ज़राए न्यूज़ में खुश आमदीद। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं हुसैन ज़िया। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इंडिया मुंह देखता रह गया, चीन ने इंडियन रियासत अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर लिया। बीजिंग के दावे और सैटेलाइट तस्वीर के मुताबिक गुज़िश्ता एक बरस में चीन ने बॉर्डर के पास एक ऐसे मुतनाज़ा इलाके में 100 घर तामीर कर लिए जो कि इंडिया की रियासत अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा हैं। बिलावल ने हमें छोड़ दिया, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो में नाराजगी का इंकशाफ। मरियम नवाज ने मौलाना फजल रहमान को कहा कि बिलावल ने हमें छोड़ दिया, जिस पर मौलाना फजल रहमान ने शिकवा किया कि नून लीग ने भी हमें छोड़ दिया था, जिस पर दोनों फरीकेन ने कहा कि आइंदा पीपल्स पार्टी पर इनहिसार नहीं करना। हरीम शाह ने मुफ्ती अब्दुल कवी को थप्पड़ मारने की वजह बता दी। मुफ्ती अब्दुल कवी ने गंदी गंदी बातें की जो रिकॉर्ड की गई हैं। इनकी गुफ्तगू नाज़ेबा और घटिया थी। वो गुज़िश्ता रोज़ से गलत किस्म की हरकतें कर रहे थे, जिस पर मैंने बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किया। कोरोना के वार जारी, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2258 अमवात हुई। मुल्क भर में कोरोना के 35,000 से ज़ायद फाल केसेस, मुसद्दिका मरीजों की तादाद 5,23,011 हो गई। उसामा सत्ती के भाई का जज्बाती रवैया, पुलिस एहलकारों पर हमले की कोशिश। उसामा सत्ती केस में गिरफ्तार 5 पुलिस मुलाजमीन के जिस्मानी रिमांड में मजीद 5 रोज़ की तोसी। 21 साल उसामा सत्ती कत्ल की जुडिशनल इंक्वायरी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि नौजवान किसी डकैती या इस तरह के किसी जुर्म में मुलविस नहीं था। मौलाना फजल रहमान के बड़े पैमाने पर फॉरेन फंडिंग साबित हो गई। मौलाना फजल रहमान को जो पैसे आते रहे उनके सबूत कुछ ऐसे लोगों के मिले हैं जो पाकिस्तान नेशनल नहीं हैं। मौलाना को जवाब देना होगा हुकूमती नुमाइंदगान। नवाज शरीफ खानदान की 800 मिलियन डॉलर्स की 76 जायदादों का इंकशाफ, ये बात अब लंदन की अदालत कह रही है। फिर कहते हैं कि नवाज शरीफ की जायदादों को छोड़ दें, आगे चलें। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट। वजीर आजम इमरान खान ने ब्रॉडशीट केस आवाम के सामने लाने का फैसला कर लिया। वजीर आजम ने हिदायत दी है कि ब्रॉडशीट केस के हकायक आवाम के सामने लाए जाएं। महकमा मौसमियात ने कहा है कि पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध छाए रहने का इम्कान है, जबकि कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलाई बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द और मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द रहने और खुश रहने का इम्कान। और ये था अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा चैनल हसास ज़राए न्यूज़। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम अपडेट्स आपको फौरी मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।